Hello friends, our today's article is moment of inertia. What is moment of inertia? How we would calculate moment of inertia of different bodies? Now moment of inertia plays same role in rotational motion as mass plays in linear motion. So linear motion mein jo role mass play karta hai, wahi role moment of inertia rotational motion mein play karta hai. So kya hai moment of inertia? Quantity that measures the inertia of rotational motion of the body is called rotational inertia or moment of inertia of the body. Means koi bhi quantity jo rotational motion ke inertia ko measure karti hai, hum use rotational inertia bhi kehte hain aur usi ko moment of inertia bhi kehte hain. Now kinetic energy of rotation ki kis tarike se kinetic energy of rotation nikali jayegi. है क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाई रोटेशनल मोशन में किसी भी पार्टिकल के द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस की जाती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. सो इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट अ गिवन एक्सिस. रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल्स वी सपोज m1 m2 m3 बी देयर मासेस एंड सो ऑन R1, R2, R3 and so on be perpendicular distances of particles from axis of rotation. Angular velocity of all the particles remains same, that is omega. Now linear velocities are suppose V1, V2, V3 and so on. So kinetic energy of first particle is equal to half M1 V1 square. And we know linear velocity V jo hoti hai, wo R omega ke equal hoti hai. To isliye V1 jo ho gaya, wo R1 omega ke equal hoga. तो इसलिए आ गया v1 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 ओमेगा का होल स्क्वायर. इट विल बिकम्स हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल्स आर हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमा हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m4 r4 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी adding all these kinetic energy of first particle, second particle, third particle and nth particle, which is equal to half m1 r1 square omega square plus half m2 r2 square omega square plus half m3 r3 square omega square plus dot 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 half mn rn square omega square. Half omega square common le lete hain. तो ब्रैकेट में आएगा आपका m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर. हाफ ओमेगा स्क्वायर इस पूरे को एक समेशन के अंदर डालें तो i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वायर एंड वी नो समेशन mi ri स्क्वायर इज इक्वल टू i, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ i ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है क्योंकि समेशन एम आई आर आई स्क्वायर की वैल्यू आई के इक्वल होती है और आई जो होता है उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द गिवन एक्सिस. यदि मैं काइनेटिक एनर्जी की टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना चाहूँ तो मेरे पास ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी. अभी प्रीवियसली हमने इसे ड्राइव भी किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इफ आई सब्सटीट्यूट ओमेगा इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आई. मीन्स काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा यदि जो बॉडी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी 1 हो. उसी को हमने कहा कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द गिवन एक्सिस. तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को काइनेटिक एनर्जी की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं. नाउ फिजिकल सिग्निफिकेंस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन. कि जो रोल मास लीनियर मोशन में प्ले करता है वही रोल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
रोटेशनल मोशन में प्ले करता है. इट मेजर्स द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी. ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस, मोर डिफिकल्ट इट विल बी फॉर अ फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रेडियस ऑफ जायरेशन. अवर रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस वेयर इफ होल मास ऑफ बॉडी वर कंसंट्रेटेड द बॉडी शैल हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज इट हैज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. तो मीन्स की देर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मास डिफरेंट मासेज एंड देयर डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम वन आर वन स्क्वेयर, एम टू आर टू स्क्वेयर, एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर एंड सो ऑन. ऑन एडिंग ऑल दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस विल इक्वल टू इफ वी सपोज द होल मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट पॉइंट पी देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज यहाँ पे जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम के स्क्वेयर एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन. इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के को ही हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं. मतलब हमने एक पॉइंट सपोज कर लिया है जहां पे ये सारे मास जो अलग अलग आपके डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो सब एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड हो गए, जिस पॉइंट को हम सपोज सेंटर ऑफ मास कहा करते थे. तो पी पॉइंट हमने ऐसा सपोज कर लिया जहां पे बॉडी का होल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसी को रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं. ड्राइव करते हैं हम इसके लिए रिलेशन. कंसीडर अ रिजिड बॉडी हैविंग m1, m2, m3, mn. सभी पार्टिकल्स मासेस सेम है, m मास मान लिया हमने उनका. r1, r2, r3, rn भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ दीज पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन की एक्सिस ऑफ रोटेशन से इन पार्टिकल्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज हैं वो m1, m2, m3, mn हैं. तो अब आगे जब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो I इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर प्लस डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वेयर. एंड वी सपोज द मास इज इक्वल सो वी टेक m कॉमन बिकॉज एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम थ्री इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू m. सो m को जो हमने कॉमन लिया इट विल कम्स आउट आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर प्लस आर थ्री स्क्वेयर प्लस डॉट डॉट आर एन स्क्वेयर. ओके, जो ये स्मॉल m है m इंटू n कर दिया क्योंकि n पार्टिकल्स हैं हमारे पास, n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने इसे. तो m इंटू n इंटू ये हो गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपॉन n. m इंटू n, n पार्टिकल्स का मास कैपिटल m हो गया एंड इट विल कम्स आउट टू बी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर अपॉन n. नाउ m सपोज टोटल मास ऑफ द बॉडी. And if total mass m is concentrated at P at a perpendicular distance k from the axis, then I is equal to mk square. Both are your moment of inertia, they should be same. So mk square must be equal to m r1 square plus r2 square plus dot dot rn square upon n. In dono ko hum equate kar denge, m se m cancel out ho jayega. To k ki value aagi inside root r1 square plus r2 square plus dot 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 rn square upon n. इस तरीके से रेडियस ऑफ जायरेशन का हम डेरिवेशन निकाल सकते हैं. नॉट टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है. हमने सपोज कर लिया फोर्स किसी भी पार्टिकल के ऊपर सपोज m into a वेयर a इज लीनियर एक्सीलरेशन एंड वी नो वेरी वेल लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू r into alpha वेयर alpha इज एंगुलर एक्सीलरेशन. देयरफॉर f इज इक्वल टू m r alpha. A के प्लेस पे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी r into alpha. We know torque जो होता है force into perpendicular distance, so force into r. ऊपर से force की वैल्यू रखी हमने m r alpha into r. तो it will comes out m r square into alpha. And we know m r square is moment of inertia. So torque is equal to I into alpha, where I is equal to m r square. इस तरीके से हम टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज यहां से हम टॉर्क की टर्म में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को
डिफाइन कर सकते हैं, भाई हमारा आया था टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, मीन्स यदि अल्फा को वन कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो टॉर्क के इक्वल होगा। उसी को हमने डिफाइन किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।